نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الامام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه في كتاب الإيمان وباب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس سنة. أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان معزز سامين ناظرين خواتين طلبة طلباء وطالبات और जुमला मुस्तफीदीन और मुस्तफीदात, अल्हम्दुलिल्लाह अलहदुल्ल पिछली नशिस्त में हमने इमाम बुखारी की किताब इईमान का मुक़दमा बयान किया जो बाबाईमान का बाब है उसमें जिन अहदी से मुबारक के अज़ा इमाम बुखारी ने लिए या आषार सहाबा के अज्जा लिए हैं इस किताब के आगे आने वाले मौजूद को और कंटेंट्स को और मदलोलत को यानी जिन उमूर को वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए फ़ाउंडेशन बयान की और ये बयान किया कि इमाम बुखारी ने उसमें आठ आषार सहाबा यह व सलाम की अहदीस मुबारक़ा के अज्जा और मरवियात ली हैं और सारी की सारी दूसरे आइम्मा हदीस के कुतुब से उनके तरु और उनकी असानीत के साथ ली हैं मगर साफ ज़ाहिर है जो कि इमाम बुखारी ने ली हैं दूसरे मसादर से दूसरी कुतुब से दूसरे आइम्मा के तरक से और उन्हें कबूल करके अपनी बुखारी में शामिल किया है मुक़दमा और तर्जमा के तौर पर तो इस अमर में कोई शक नहीं कि वो आला दर्जे की सही अदीस मरवियात और आसार हैं और इससे ये बात इस्टेब्लिश की कि इमाम बुखारी का इमदीस के बाब में यह अदीस की तखरीज के बाब में और अदीस को कबूल करने के बाद में और अदीस से करने और उनसे हजत पकड़ने के बाद में इमाम बुखारी का मसलक ये है कि दूसरे अइम और दूसरी कुतुब से सही सनत के साथ भी अदीस को लेना न सिर्फ जायज़ है बल्कि इमाम बुखारी का तरीक़ है सो अगर ये हम में से कोई शख्स ये समझे कि जो सही बुखारी में नहीं इमाम बुखारी ने जिसकी तखरीर नहीं की हम उसे कबूल नहीं करते ये गोया ख़ुद इमाम बुखारी के मजहब व मसल को रद्द करना है इमाम बुखारी के मशरब को गोया मुस्तरद करना है और उनकी मुखालफत अब आज उसमें से सिर्फ़ एक पहलू लेकर फिर अगले अफवाब की तरफ बढ़ते हैं और मैं कोशिश करता हूँ इन शह किताब इमान की चंद और अहदीस इख्तसार के साथ कवर कर लें इमाम बुखारी रदी अल्लाह तुने दो चीज़ें कोट करता हूँ आगे बढ़ूँ एक तो ये आपको याद है मैंने अपनी पहली नशस्त में ये कहा था कि मैंने ज़िंदगी में जितनी बार बुखारी को पढ़ा है जितनी बार अव्वल हदीस से आखिर हदीस तक इसमें से गुज़रा हूँ इसमें तम किया है तदब्बर और तफक् किया है इसको आप इसके मतन के साथ पढ़ा है शुरू के साथ पढ़ा है और जितनी बार पढ़ा है मुझे इमाम बुखारी का इल्मी तबहर अपनी जगह इल्मदीस में उनकी सकाहत और इमामत और अमीर और मोमिन का मर्तबा और आफाक में मशारिक से मगारब तक इल्मदीस में सब का इमाम होना ये रुतबा अपनी जगह मगर जो चीज मुझे बड़ी नुमाया नजर आई है वो ये कि ये कमाल दर्जे के आशे के रसूल थे बहुत बड़े आशे के रसूल थे यानी इमाम बुखारी के पास हजूर असलात का एक मुहे मुबारक था गुरु उला था हवाल जमाना था सिहबा कराम के पास थे ताबेन अतबाउ ताबेन तो अलग तहक़ीक मुँ मुबारक उस ज़माने के लोगों के पास सनत के साथ मौजूद होते तो इमाम बुखारी के पास आकलेम का एक मुँ मुबारक था उनको उम्र भर उन्होंने अपने कमीज़ में या ज़ब्बा कहें या कुर्ती कहलें उसके अंदर सिया हुआ था और हमेशा उसको सीने के साथ लगाए रखते अपने जब्बे के अंदर सी उसको पहनते थे और उसी के साथ रात की इबादत करते और उसी लिबास के साथ खत में कुरान करते तज़द के वक्त कुरानी मजीद एक सोलस पढ़ते हर तीसरी रात खत्म कुरान करते ये आकल असलात से इश्क की और अदब की और रसूल बरकत की ये उनकी अकीदतमंदी थी कि मुहे मुबारक को उम्र भर अपने साथ लिबास में रखा अब यही चीज़ सही औरबुखारी की तरतीब में आती है इमाम बुखारी ने सही बुखारी की हर किताब जो शुरू की है हर किताब वो बिसमिल्लर से शुरू की है हर किताब बसमला से शुरू की है और ये आइमा मुहदसिन फोकहालमा का तरीक़ है सिवाय पहली किताब यानी दिलचस्प बात है जहां से इमाम बुखारी ने अपनी किताब सईुल बुखारी शुरू की है जहां से ये मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां से बिगिनिंग हो रही है वहां रहीम ने लिखा वो बसमला के बगैर शुरू की है फर्स्ट बुक और पहली हदीस सातों हदीसों पर है, सात हदीस का तो जहाँ से भाई इब्तदा हो रही है किताब की उसको बसमला से करना चाहिए से तो पहला जो है चैप्टर भी और पहली किताब को बसमला के बग़ैर छोड़ दिया है और उसके बाद अगला बाप और अगली किताब जब आती है किताबाईमान और ऑनवर्ड्स एंड तक हर किताब बसमला से शुरू करते हैं बिसमिल्लान रहीम से अब इस पर मुहद्सिन ने सही बुखारी की शरह करते हुए हर एक इमाम ने क्या हाफिज़ इबिनजर रसकलानी हैं क्या इमाम ऐनी हैं क्या इमाम कुस्वरानी हैं क्या अबलक्न हैं क्या दमामीन, जिसको लें अव्वल से आखिर तक जिसने भी सही बुखारी की शरा की है उन्होंने इसके ऊपर ख़ुद एक सवाल कायम किया है बारह सौ साल तक जो काम होता रहा है आज के ज़माने में भी हर मुहदस जब सही बुखारी की शरह करता है वो ये सवाल कायम करता है अज खुद और ख़ुद जवाब देता है कि इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी का आगाज बिस्मिल्लाह से क्यों नहीं किया बिस्मिल्लाह हर एक ने सवाल उठाया और अपने तौर पर दिफा तोज़ीहन तशरीहन तोज़ीहन जवाब दिया है तो वो कुतुब में मौजूद हैं आला से आला जवाब दें और सही से सही जवाब हैं सारे सार आंखों पर सो इस सवाल का एक जवाब मेरे जहन में भी आया है वो उन क़ुतुब में दर्ज नहीं है ये मेरे ौक़ की बात है अगर तबियत कबूल करे तो भाई उन जवाबों में से एक इस जवाब को भी शामिल कर लें कबूल कर लें अगर बाज़ अहबाब की तबियत कबूल न करे तो कोई ज़ोर नहीं है देखिए ना किताब अलीमान ऊपर बिसमिल्लम रहीम लिखते हैं उसके बाद किताब उससे पहले रहीम लिखते जहाँ से हदीस नंबर उनसठ शुरू हो रही है फ़िफ्टी नाइन वो हदीस तो उससे पहले बिसमिल्लम रिम फिर बाप कायम करते हैं आगे तहारत में नमाज़ में रोज़ा हाज ज़क़ात जैसे जैसे चलेंगे हर एक में किताब का नाम बिसमिल्लम रहीम पहले लिखते हैं फिर उसके बाद मुकदमा लाते हैं जिसको तर्जमतुलबाप फिर हदीस लाते हैं तो जहाँ सही बुखारी की इब्तदा की है वहाँ बिसमिल्ला ने लिखा जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और जहाँ मुनासबत बनती थी तो इसके जवाबों में जवाब जो एक मेरे जहन में आया है बाकी आइमान ने तो दिए हैं मेरे जहन में क्यों वहाँ किसी ने कहा कि चूँकि कुरान मजीद की आयत से शुरू किया है किसी ने कहा बदलवाही से शुरू किया है वही की इब्ता से तो वही बिस्मिल्लाह हो गई कि बद बदुलवाही के हुजूर अलैहि सलाम पर वही का नज़ूल उसकी इब्ता कैसे हुई किसी ने कहा कि अल्लाह का जिक्र किया है इन्ना अवई इलैका इली का कमा अवई ना इलाजी न तो इस आयत से शुरू किया है तो भाई कुरानी मजीद की आयत से भी पहले बिस्मिल्लाह लिखते हैं चूँकि इमाम बुखारी खुद आगे पूरी सही बुखारी में हर किताब में यही उसलूब अपना रहे हैं वहाँ भी आयात कुरानी हैं हर जगह बिस्मिल्लाह लिखते हैं और हर इमाम और हर मुहद्दिस और हर मुअल्लिफ लिखता है तो मेरा जहन इस तरफ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो आशे रसूल थे इमाम बुखारी उन्होंने कहा यह सही बुखारी लिख रहा हूँ और पहला बाब तसकर रसूल पर है सल्ला वसम आकलम की नबुवत के तस्करे पर है कि आप पर वही कैसे उतरी आप गार में खलवत कैसे करते आपकी सीरत तयबा कैसी थी आपकी हयात मुबारक कैसी थी ये जो सात हदीस पर मुशतमिल पहला बाब या पहली किताब है कहीं उन्होंने तस्कर नबुवत को ही अपनी किताब सही बुखारी की बिस्मिल्ला बनाया हो मेरा जौक तो यह कहता है कि इमाम बुखारी ने पहली किताब को जो बसमला का जो रस्मी और मुर्वज मुतदावल तरीक़ है उसे छोड़ कर आकल इस्लाम के जिक्र को ही सही बुखारी की बिसमिल्ला बना दिया है कि चूंकि इसका जिक्र इस्लाम पर वही कैसे उतरी आकलत इस्लाम तो ने किस तरह नीजत का जिक्र किया आकलेसलाम को सही ख्वाब कैसे आते आप खलबत में कैसे जाते आप इबादत कैसे करते आपके अहवाल क्या थे आपकी सीरत तय्यबा की कैफ़ी याद क्या थी माह रमज़ान में आपसे जबरील की मुलाकातें कैसे होती आकल वसलाम के ऊपर इस तरह तो सीरत तय्यबा के अहवाल हैं जो जबूसुफ़ीन ने बयान किए सारा ज़िक्र पहली किताब में चूँकि तज़कर नबुवत है तज़कर सीरत महमदी है तजकर अखलाक़ महमदी है तो मेरा ओक़ यह कहता है कि शायद हजूराम के जिक्र को ही और आपकी सीरत तय्यबा के बयान को ही इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी की बिसमिल्ला या बसमला बना दिया है उसके बाद अब दाखिल हुए हैं किताबुल ईमान ने यहां से उन्होंने रूटीन का जो तरीका है उसको अडोप्ट कर लिया है कि आकल इस्लाम का जिक्र हो गया तो मतलब यह है वो समझाना ये चाहते हैं कि लोगों बसमला में सबसे बड़ी बसमला हजूर की ज़ात पाक है आकल इस्लाम की नबूत और रिसालत से तल्लु है इस्लाम के मुकाम मरतबा की मारिफत है इस्लाम की सीरत तयबा की मारफत है अगर कोई आदमी अपने मन में इस्लाम की नबूत के अनवार को दाखिल कर ले और सीरत तयबा को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर ले और आपकी शख्सियत से उठने वाले अनवार और तजलियात से अपनी शख्सियत को रोशन कर ले तो दरअसल उसने बसमला का मिसमिल्लामान रहीम का पूरा नूर अपने मन में उतार लिया तो ये मैंने चाह के कोट कर दूं कि बुखारी का बसमला जिक्र रसूल सल्ला वम को ही बना दिया है अब आ जाते हैं जो मैंने कहा कि किताब ईमान में आठ आयात को बयान कर लेने के बाद रेलिवेंट टुकड़े फिर वो हुजूर सलाम की हदीस मुबारक का हिस्सा लाते हैं कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए किसी से दूरी या अदावत इख्तियार करना ये खुद ईमान है यानी ईमान में से है और ख़ुद ईमान है ये बात जो इमाम बुखारी ने कही इसका ज़िक्र तो हो चुका कि कहाँ से ली मैंने आपको अर्ज़ कर दिया था कि ये दीगर आईम हदीस की कुतुब से लिया इमाम बुखारी ने और इसको दरअसल सनत के साथ रिवायत किया था इमाम अबू दाऊद ने उनकी कुतुब में है इमाम अबू दाऊद की सनत के साथ है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने यह अपनी कुतुब में लिया मुसनद अहमद बिन हम्बल ने और इमाम बाजार ने लिया अब इस पर गुफ्तू करते हैं कि इमाम बुखारी ने सबसे पहली हदीस ईमान की तशरी करते हुए ये ली है और यहाँ एक और नुकतः तोज्जो तलब है से रजिस्टर कर लें दिलो दिमाग की तख्ती पर लिख लें कि इमाम बुखारी ने आयात बयान करके जब आए हैं हदीस पर तो ईमान की तशरी हदीस नबवी की ज़ुबान में करते हुए ईमान की तशरी करते हुए ईमान का माना समझाते हुए ईमान का मफहूम बयान करते हुए सबसे पहले तशरी ईमान में जो हदीस ली है वो हदीस मोहब्बत है यानि जरा इमाम बुखारी के इल्मी का अंदाजा करें वो सबसे पहले यानि इसके बाद आए हैं कि फराइज और शराय और हदूद और सुनतों की तकमील अमल करना अपनी जिंदगी में उसके बाद ईमान की तशरी में फराइज और अमाल की तरफ बाद में आए हैं मगर पहला कलेमा ईमान की तशरी में इमाम बुखारी ने जिस हदीस के जरिए किया है वो हदीस है मोहब्बत इससे पता चलता है कि उनके इल्मी जोक पर भी महबत का अनसर इतना गालिब था कि ईमान को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं महब्बत के पैराए में महब्बत की ज़ुबान में महब्बत के जाविये में कि इंसान अपने मन को और कल्ब को इतना साफ कर ले कि जिस से भी मखलूक में मोहब्बत करे उस मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत और जिसकी मोहब्बत छोड़े जिससे दूर हो तो दूर होने की बुनियाद भी अल्लाह की मोहब्बत तो अल्लाह के लिए किसी से जुड़े और अल्लाह ही के लिए किसी से हटे तो फरमाते हैं कि ईमान तब साबित होता है जब वो मोहब्बत बनकर अल्लाह अल्लाह रबरीजत की गालिब मोहब्बत बनकर दिल के सारे फ़ैसलों पर छा जाता है दिल के तमाम फैसले किसी को तरजीह देना किसी के करीब होना किसी को चाहना किसी की मजलिस इख्तियार करना किसी से ताल्लुक़ जोड़ना गुरबत लेना इसकी बुनियाद भी अल्लाह की महब्बत हो और किसी से दूर हो जाना हट जाना तर कर देना इसका फ़ैसला भी दिल अल्लाह की मोहब्बत में करे गोया दिल के सारे फैसलों का और महवर भी और फैसले करने के लिए जो नुकता है कंट्रोल वो मोहब्बत के हाथ में हो अगर ये कैफियत इंसान के दिल को और मन को हासिल हो जाए तो फरमाते हैं दरअसल ये ईमान अभी हदीस इमाम बुखारी ने कहाँ से ली मैं कर चुका हूँ हजरत अबू जर गफ़ारी रजील्ला त की रिवायत करदा हदीस है जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुसनद में लिया अपनी सनत के साथ हदीस नंबर इक्कीस हजार तीन सौ इकतालीस है और फिर इमाम बुखारी के हम जमाना आपके तलामजा में से इमाम अबू दाऊद हैं उन्होंने अपनी सुनन में लिया और उस हदीस का नंबर है चार हजार पाँच सौ निन्यानवे यानी पहले वाली है ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन अहमद बिन हम्बल में अबू दाऊद में है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन फिर इमाम बाजार ने लिया फोर जीरो सेवन सिक्स और फिर बाकी आइमा ने मगर तो हर एक ने अपनी सनद से लिया इमाम बुखारी ने उनसे यह हदीस ली तो इस्लाम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है सबसे अफजल इस्लाम ने फरमाया सबसे अफजल अमल यह है कि तू अल्लाह ही की खातिर किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह ही की खातिर किसी से दूरी इख्तियार करे ये अदावत रखे यानी न किसी से मोहब्बत करने में कोई दुनियावी गज हो जो गालिब हो कई अखराज और इलाक़ात कई किस्मों के हो सकते हैं मगर गालिब तर उन सर जो मोटिवेट करे मोहब्बत के लिए जो आपको इंस्टिट करे मोहब्बत के लिए जिसकी बुनियाद पर आप डिसाइड करें कि इसके करीब हों इस शख्स के इससे मोहब्बत करें इसकी सोबत इख्तियार करें वो अल्लाह की मोहब्बत और इसी तरह हज़त मुआज बिन अनस उनसे भी मरवी है इसको भी इमाम महमद बिन हम्बल ने और इमाम तिरमजी ने लिया है और इमाम अबू याला ने भी ये सब सही हैं तभी तो इमाम बुखारी ने इनसे उठाई है ये हदीस आकलम ने फरमाया मन आता व मन अल्ला व हब अल्ला व अब गद्ला व अनका हलिल्ला एक रिवायत में लफ्ज इजाफा किया इमाम अहमद बिन अम्बल ने व अनका हलिल्ला फ़क़द तकमल ईमान हूँ ये जो बात अब कर रहा हूँ ये वालदेन बच्चों की शादी करने वाले जिनको करनी है उनके भी तोज्जो तलब है और नौजवानों के लिए भी तोज्जो तलब है आकर इस ने फरमाया जिस शख्स ने जिस दूसरे को जो कुछ दिया सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में दिया और अगर किसी को देने से रोका तो अल्लाह की खातिर रोका और किसी और से मोहब्बत की दुनिया में तो अल्लाह के लिए मोहब्बत की और किसी से मोहब्बत ख़त्म की या अदावत की तो अल्लाह के लिए की व अनक ला हती किसी से शादी की वो भी अल्लाह के लिए की यानी कोई रिश्ता चुना वालदेन औलाद का चुने या बच्चा बच्ची अपने लिए किसी रिश्ते को तरजीह दे तो फरमाया व अन कहिला अपनी शादी और रिश्ते के चुनाव में भी अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का दीन अल्लाह की रज़ा अल्लाह का हुक्म अल्लाह की रबत यह उसका मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए डिसाइसिव होना चाहिए फैक्टर कि क्या ये शादी मुझे अल्लाह के करीब करेगी क्या ये रिश्ता अल्लाह के दीन में हमें मजबूत करेगा क्या इस रिश्ते के ज़रिए मेरी औलाद और मेरा घर दीन का गहवारा बनेगा क्या इसके ज़रिए मेरे अंदर नेकी का और इजाफा होगा यानी हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनेंगे दीन के लिए दीन की रगबत दीन का इल्म, दीन का माहौल फिर हमारी औलाद आएगी जब मेरी बीवी जब औलाद की माँ बनेगी ये दीन को मुंतकिल करेगी मेरी औलाद में क्या मेरी औलाद में दीन इस माँ की तरबियत परवरिश की वजह से महफूज रहेगा या माँ सोचे कि जब यह मेरा शोहर होगा और मेरी औलाद आएगी तो क्या इस बात की वजह से दीन और ईमान और अल्लाह से क़ुरब और दीन से मोहब्बत मजबूत होगी या कमज़ोर होती चली जाएगी हमारा अपना ईमान और दीन और अल्लाह के साथ साथब और तात और इबादत का रिश्ता आपस के रिश्ते की वजह से एक दूसरे को सपोर्ट करके मजबूत होगा घर का माहौल सपोर्ट करेगा दीन के लिए या ऐसे फ़र्द हैं शादी तो हो जाएगी मियाँ बीवी के तौर पर गुज़र औकात भी होगा मगर दीन और ईमान कमज़ोर होता चला जाएगा ये फैसला किया अब अनका फरमाया जिसने इस तरह प्रेफरेंस दी अल्लाह की मोहब्बत को हर फैसले में और हर तरजीह में और हर चुनाव में फ़कद इस तक माला ईमान हो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया ये हदीस है ये टुकड़ा और थीम है जो इमाम बुखारी ने सबसे पहले लिया है फिर यह हदीस हजरत अबू उमामा से भी मरवी है तो उसके अल्फाज भी ऑलमोस्ट इसी तरह हैं मैं रिपीट नहीं करता उसके बाद एक और हदीस यही मजमून है जो इमाम बुखारी ने कई हदीस और रिवायात से यह मजमून लेके उसका ख़ुलासा दे दिया वो अमर बिन जमूह से मरवी है हदीस उसको भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और इमाम तबरानी ने कि आकल ने फरमाया ला यहीकुलब्द हकीक़त ईमान इमाम बुखारी फरमाते हैं ना कि अलहब्बूफिल्ला वलबुगजुफिल्ला मिनल ईमान ये ईमान की हकीकत है अबू अल्फाज जो इमाम मोहम्मद बिन हम्बल जहाँ से इमाम बुखारी ने लिए वो कहते हैं कि कोई शख्स ला यहीक्क़ुलब्द हकीकत और ईमान कोई शख्स ईमान की हकीकत को पा ही नहीं सकता यानी जो ईमान का ट्रुथ है और ईमान की रियलिटी है और ईमान की हकीकत है उसको आप नहीं पा सकते अनलस यानी जब तक हता यख दब अगर आप किसी से नाराज भी होते हैं तो आपकी नाराजगी की बुनियाद भी अपना नफ्स नहीं बल्कि अल्लाह की जात होनी चाहिए यानी इसलिए नाराज हो कि दूसरे शख्स ने कोई ऐसा काम किया है जिससे अल्लाह नाराज होता है तो अल्लाह की नाराजगी ही आपको किसी दूसरे के साथ नाराज होने का सबब बनाए और अल्लाह की रजामंदी दूसरे के साथ राजी होने का सबब बने अल्लाह के लिए राजी हों अल्लाह के लिए नाराज हों। अब देखिए दो चीजें इंसानी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं आप उसको मोहब्बत कह लें पहले अलहबफिल्ला इधर रिदा आ गया अल्लाह के लिए राजी होना अल्लाह के लिए मोहब्बत करना फिर कहा वलबुदफिल्ला और इधर कह दिया यकदबाल यह आप किसी से राजी होते हैं जिंदगी में या किसी से नाराज़ होते हैं या न्यूट्रल रहते हैं न किसी से मोहब्बत है ना नफ़रत है न किसी से राज़ी हैं ना नाराज़ हैं बिल्कुल न्यूट्रल हैं आप उससे इनडिफरेंट हैं ला तुक है ये तीन कैफियतें होती हैं चौथी तो होती कोई नहीं उनको छोड़ दें जिन्हें आप जानते नहीं हम नहीं जानते वो तो सारी अरबों लोगों पर मुश्तम कायनत पढ़िए छोड़ दें जिनसे इंटरेक्शन होता है दोस्त अहबाब हैं अजा अकारब हैं बीवी बच्चे हैं रिश्तेदार हैं भाई बहन हैं हैं, हैंजा हैं कुलीग्स हैं जिनसे वास्ता पड़ता है तो जिनसे ताल्लुक़ बनता है वो ताल्लुक़ तीन किस्मों में से किसी न किसी एक किस्म पर बेस करेगा यह तो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे आपको ना उसके साथ मोहब्बत और रगबत है और ना उसके साथ कोई नफ़रत और अदावत है ना उससे आप राज़ी हैं ना नाराज़ हैं इस कैटेगरी को भी एक तरफ़ कर दें क्योंकि आपका एक्चुअली उसके साथ कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं जहां इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट होगा वहां दो में से कोई ना कोई कैफियत जरूर पैदा होगी या आप उसको पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा ज्यादा बर्ताव होगा तो तीसरी हालत न्यूट्रैलिटी की नहीं रहती दो में से एक पर आ जाते हैं उन्हीं दो चीजों को कंट्रोल करने की बात की है कि अब किसी को पसंद करें भाई पसंद करने की कोई तो रीजन होगी कोई तो बुनियाद होगी हमारी बुनियादें किसी को पसंद करने और किसी को ना पसंद करने के लिए खाल सतन दुनियावी हैं दुनियावी बुनियादें मादी बुनियादें नफसानी बुनियादें अगराज हैं अपनी तलाबात हैं अपनी ख्वाहिशात हैं अपनी सोचें हैं ये शख्स मेरी इज्जत करता है ये मेरी तारीफ करता है ये मेरे गुण गाता है हमें पसंद है, अच्छा लगता है अब हम उसको खुश नहीं कहेंगे कि वो शायद गुण गाता है आपके किसी मफाद के लिए किसी गरज के लिए या किसी खौफ के बायस उसका कोई तमा आपके साथ है वो गुण गाता है आप जब जो तारीफ करता है हमें हमें वो पसंद आता है भले वो किस नीयत से कर रहा हो हमें वो बुरी चीज़ भी ओझल हो जाती है। जो हमारे गुन नहीं गाता तारीफ़ नहीं करता बड़ी इज्जत नहीं करता तकरीम नहीं करता हम पर माल खर्च नहीं करता नजराने नहीं देता पैसे नहीं देता वगैरह वगैरह जो नहीं करता हमें वो नापसंद है भले वो कितना मुतकी नेक और साले क्यों ना हो हम उसकी नेकियां ओझल कर देते हैं निगाह से भूल जाते हैं अपनी ज़ात के अंदर एक गर्ज़ है जिससे नफ्स को इतमान होता है जिससे नफ़्स को सेटिस्फेक्शन होती है जिस शख्स के ज़रिए या उसके अमल के जरिए या उसके कौल के जरिए या उसके बिहेवियर से मैं ये देखता हूँ कि मेरे नफ्स को इत्मीनान और सुकून और राहत हुई है नफ्स जिससे खुश होता है उसके साथ हम राजी होते हैं उससे मोहब्बत करते हैं उसको अच्छा जानते हैं और नफ्स जिसको पसंद करता है आपकी कोई ख्वाहिश उसने पूरी नहीं की यानी मेरी एक ख्वाहिश कोई वो पूरी नहीं हुई मेरा एक तमा बुरा नहीं हुआ मुझे अहदे और मनसब से हटा दिया मुझे अहदे और मनसब दे दिया मैं इसलिए खुश हूँ कि इसने मुझे मनसब दे दिया एक जॉब दे दिया मैं दूसरे से इसलिए नाराज हूं कि इसने मुझे जॉब से हटा दिया इसने मेरी इज्जत नहीं की मेरे लिए तकरीम के साथ खड़ा हुआ मैं उसके साथ राजी हो गया वो खड़ा नहीं हुआ बैठा रहा मैं उसके साथ नाराज़ हो गया एक शख्स मेरी हर वक्त मदद करता है मुझे पैसे देता है मैं उससे खुश हूँ एक आदमी नहीं ख्याल करता उसकी अच्छाई है या बुराई है उसके साथ मगर मैं उससे नाराज हूं यानी पूरी जिंदगी में हमने अपनी पसंद और नापसंद के मीयार नफसानी बना रखे हैं तो हम नफसानियत में घिरे हुए हैं ये जो सारी हदीस है जिस पर इमाम बुखारी ने मदार रखा है और सलाम ने जिन पर एम्फोसाइज किया है वो ये सलाम चाहते हैं कि आप अपने आप को नफसानियत से निकाल दें और रूहानियत में चले जाए नफसानियत से निकाल के रहमानियत के साथ चले जाए यानी पैमाने राजी होने नाराज होने मोहब्बत करने खुश करने देने न देने के पैमाने नफ से डिटरमिन ना हो रहमानीत में चले जाए अल्लाह के साथ जुड़ जाए अब वो किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ ये है जो अल्लाह को मानता है अल्लाह उसको भी रिस्क देता है जो नहीं मानता उसको भी रिस्क देता है जो अल्लाह की इबादत करता है उसको भी रिस्क देता है जो अल्लाह से शिरक करता है कुफ्र करता है उसको भी अल्लाह रिज देता है शिफा देता है उसकी आजाद को पूरा फरमाता है जो माज अल्लाह अल्लाह को गाली देता है बुरा भला कहता है उसका भी रिज्क एक शाम का भी अल्लाह बंद नहीं करता दुनिया की नहबतें चूंकि वो रब है दुनिया की हर जरूरत अल्लाह पाक हर एक की पूरी करता है कतर नजर इससे कि वो शख्स अल्लाह के साथ कैसा है अगर ये वस्फ आ जाए तो यह रहमानियत का अक्स है हम हर एक के साथ भलाई करें कता नजर इसके कि वो हमारे साथ कैसा है यह है अलहुब फिल्ला बलबुगजफिल्ला तो आकाल सलाम ने फरमाया अगर बंदा अल्लाह के लिए किसी को नापसंद करे और अल्लाह के लिए किसी को पसंद करे राज़ी करे वाफाज इस तहक हकीकत अलीमान जिसके अंदर ये चीज़ आ जाए उसने हकीकत ईमान को अपने अंदर मुस्तहकम कर लिया और पा लिया फिर हदीस पाक में आकर इस्लाम ने फरमाया व इन्ना अहिब्बाई व ई जो मेरे महबूब लोग हैं दुनिया में और जो मेरे ओलिया हैं मेरे दोस्त और मेरे महबूब अलज़ीना युज़ करूँ ना बेजिक्री वज़ करो बेजिक्रम वो लोग हैं जो मेरा जिक्र हो तो उससे उनका जिक्र हो जाता है वो याद आ जाते हैं जो ही मेरी याद कोई करे जिक्र करे तो उससे मेरे महबूब या याद आ जाते हैं और अगर यानी उनका कोई जिक्र करे तो उनसे मैं याद आ जाता हूं उनके जिक्र से बंदों के दिलो दिमाग मेरी याद की तरफ आ जाते हैं और मेरा जिक्र हो तो उससे उनके दिलो दिमाग उन बंदों की तरफ चले जाते हैं क्यों इसलिए कहें तो वो बंदे और मैं रब हूं मगर उन्होंने अपनी नफसानीत को इस तरह ख़त्म कर दिया है मेरी रहमानीयत के अंदर अपनी ज़ाती नफसानी तरजीहात को इस तरह ख़त्म कर दिया है मिट गए हैं फना हो गए हैं कि उनकी हर पसंद नापसंद गजब और रज़ा मोहब्बत और नफ़रत तरजीह और अदम तरजीह हर शे फना होकर मेरी रहमानीयत में आ गई है और मेरी मोहब्बत पर उनकी ज़िंदगी के सारे फैसले और ज़िंदगी के हर मामले की हरकत हर मेरी मोहब्बत के साथ चलती है इसलिए उनको मैंने अपने साथ इतना जोड़ लिया है कि उनका जिक्र हो रहा हो तो लाम उन जिक्र करने वालों के दिलों में मैं अपनी याद डालता हूँ और मेरा जिक्र हो रहा हो तो मेरा जिक्र करने वाले के दिलों में मैं अपने महबूब ओलिया की याद डाल देता हूँ फिर हजरत बरा बिन आज़िब यह बड़ी खूबसूरत हदीस है इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी ने बुनियाद ईमान की तशरी और हकीकत इस पर रखी हजरत बरा बिन आजब से मलबी यह हदीस और इसको भी ईमां महमद बिन हम्बल ने रिवायत किया बड़ा अजब मजमून है खूबसूरत हजबरा बिन आजब कहते हैं कि हम आकल इस्लाम की मजलिस में बैठे थे तो हज़ुर इस्लाम ने हमसे सवाल किया उरल इस्लाम अवसत आपने फरमाया लोगो देखे कि जो वस्फ़ हैं इस्लाम के उनमें सबसे आला और उमदा और ऊँचा आला व़्फ़ कौन सा है खाल असला साहबा कराम ने कहा यार सबसे उम्दा कड़ी सबसे आला इस्लाम की तालीमत और ईमान की तालीमत कड़ी दर कड़ी है मंजिल दर मंजिल दर्जा दर दर्जा फरमाया सबसे आला और उम्दा कड़ी उम्दा वसफ उम्दा मंजिल कौन सी है हम सब ने कहा यार सुल नमाज काला हासाना तुम व माँ है या बेहा आकल इस्लाम ने फरमाया हाँ नमाज अच्छी है भाई अरकान इस्लाम में सबसे पहला रुकन है तोहद और रिसालत की गवाही के बाद मगर जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ये वो नहीं फिर उन्होंने कहा जक़़ात आपने फरमाया जकवात भी बड़ा अच्छा अमल है फ़राइज में है मगर जो मैं कह रहा हूँ जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ ये वो नहीं कालू सियामो रमज़ान सब ने कहा कि रमज़ान के रोज़े आकल इस्लाम ने कहा वो भी बहुत अच्छी और उमदा है मगर जो मैं कह रहा हूँ जिधर मेरा इशारा है ये वो नहीं कलू अलज सब ने कहा रसल्ल फिर हज आपने फरमाया बहुत अच्छा है मगर जिधर मेरा इशारा है वो ये वो नहीं कालू अलजहाद सब ने कहा फिर जिहाद फरमाया बहुत अच्छा है जहाद भी मगर जो मैं कह रहा हूँ ये भी वो नहीं तब से कराम ने अर्ज़ किया यारसल् फिर हजूर आप ही फरमा दें सबसे आला और उम्दा कड़ी इस्लाम की कौन सी है काला इन्ना अवसाता उल ईमान वफी रिवायत इन्ना अवसाका उरल ईमान फ्लाह वफी सबसे आला और उम्दा कड़ी इस्लाम की और ईमान की उम्दा मंजिल वो ये है कि तेरी सारी मोहब्बतों का दुनिया में भी मरकज महब अल्लाह की मोहब्बत बन जाए और तेरी दूरिया और नापसंदीदगी का मरकज महबदब भी अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की खातिर ही तो किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह की खातिर तो किसी की मोहब्बत तर्क करे उससे दूर हो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने और इमाम तबरानी और बहकी ने अपनी अपनी सनत के साथ हज़रत मुआज से एक और रिवायत की और उसमें पूछा गया उन्होंने सवाल किया हजरत मुआज ने अन अफजल ईमान कि ईमान में सबसे अफजल और आला चीज़ क्या है ईमान में ये जो इमाम बुखारी ईमान की तशरी में सबसे पहली फाउंडेशन इस पर कायम करते हैं वो आपको समझा रहा हूं कि किस तरह के आकर इस्लाम ने कितना एम्फसाइज किया इस पर सबसे आला कड़ी और सबसे आला मंजिल और सबसे उम्दा वसफ़ और सबसे उम्दा अमल ईमान के अंदर क्या है कालाब अल्ला व तो बदला व तो मिला लिसान अकफी जिक्र आपने फरमाया वो ये है कि तू अल्लाह ही के लिए किसी को पसंद करे और अल्लाह ही के लिए किसी को नापसंद करे और जब भी तू अपनी जुबान खोले तो उसमें अल्लाह की याद हो अल्लाह का जिक्र हो अब से कराम जिन्होंने सुना थोड़ी सी उनको परेशानी लाए कभी अर्ज किए सुल्ला पहली दो बातें तो समझ आ गई हुई हैं कि अल्लाह ही की मोहब्बत की वजह से किसी को पसंद करे और अल्लाह ही की वजह से किसी को ना पसंद करे यानी पसंद और ना पसंद का मेयार ज़िंदगी में और दिल की तरजीह के अंदर अल्लाह हो अल्लाह की मोहब्बत हो अल्लाह का अमर हो अल्लाह की रबत हो ये तो समझ आ गई मगर ये जो आपने फरमाया तो मेला लिसाना कभी ज़िक्र कि हर वक्त अल्लाह की याद और जिक्र में तेरी ज़ुबान चले ये समझ नहीं आई क्योंकि हम तो मकसद ये था कि दुनियावी बातें भी करते हैं ज़रूरिया ज़िंदगी बातें भी करते हैं कारोबार और तिजारत की लेन देन की सौ बातें होती हैं हर रोज़ तो हर कलमा और हर जुमला अल्लाह के जिक्र का और अल्लाह की इबादत और तात और याद का तो नहीं होता तो उन्हें तशवीश या रसूल्ला क्या है अर्ज़ किया काला व माजा या रसूल अल्लाह हर वक्त ज़ुबान का भी अल्लाह के जिक्र और याद में हिलना ये क्या है काला अन तोहिबनासी माँ तुहि बोले नफसिक व न तकर मा तकरा नफसिक हर वक्त ज़ुबान का चलना अल्लाह के ज़िक्र में इसका माना यह है कि जैसे मोहब्बत पसंद और नापसंद की कि जो बुनियादी रीज़न है वो अल्लाह की मोहब्बत बना ली इस तरह जब भी तू किसी शख्स के लिए कोई चीज़ चाहे तो जो अपने लिए पसंद करता है वही उसके लिए पसंद कर चूँकि अल्लाह ये चाहता है दुनियावी गुफ्तु करो हिसाब व किताब की बात करें कारोबार और तजारत की बात करें बच्चों से प्यार मोहब्बत की बात करें खाना पीना आज क्या पकाना है क्या डिश बनानी है क्या खाना है इफ्तार में क्या रखना है साहरी में क्या करना है आज कहाँ जाना है सफ़र कहाँ करना जो चाहें दुनिया के मामलत करें मगर जहन में रख लें कि हर दूसरे के लिए वही कुछ चाहें जो आप अपनी जान के लिए चाहते हैं और जो अपनी जान के लिए ना पसंद करते हैं दूसरे के लिए भी ना पसंद करें तो आपसे किसी को जरर ना पहुंचे और हर दूसरे शख्स को जो पहुंचे नफ़ा पहुंचे अगर ये चीज जेन में रख ले कि इससे अल्लाह राज़ी होता है यह बात अल्लाह को पसंद है तो फिर आप जो कहेंगे और जो करेंगे वो गोया अल्लाह की मोहब्बत में कह रहे हैं हर जुमला कन्वर्ट हो जाएगा इबादत में अल्लाह के जिक्र में बात खाने की कर रहे हैं मगर वो कन्वर्ट हो जाएगी अल्लाह की याद में बात लोगों से दोस्त अहबाब से मिलना जाना करना दुनियावी की कर रहे हैं मगर चूंकि तरजीह उसमें अल्लाह के अमर को अल्लाह के हुक्म को अल्लाह की पसंद और नापसंद को दे दी है या दूसरे की भलाई को अपनी जान की भलाई पे तरजीह दे दी यानी अपने अंदर एसार पैदा कर दिया कुर्बानी का जज्मा पैदा कर लिया है चूंकि आपने अपने आप को यह बदला है और यह है नफसानियत से निकल गए हैं जब आप दूसरे को तरजीह देते हैं और जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए चाहते हैं तो इसका मतलब है आप परस्ती से निकल गए हैं नफसानियत से निकल गए हैं और जब बंदा नफसानियत से निकलता है तो वह रहमानीत में दाखिल हो जाता है तो उसके जो वस्फ़ हैं उसके ऊपर रहमत इलाहिया यानी रहमानियत छा जाती है तो फरमाया इस तरह इनडायरेक्टली हर हाल में तुम अल्लाह का जिक्र करोगे अब मुसनद इमाम महमद बिन हम्बल ने हज़रत अमर बिन जमू से एक और रिवायत की है उसके अल्फाज भी बड़े खूबसूरत हैं अब यह तमाम जो हदीस मैंने कोट की ये मसादिर हैं इमाम बुखारी के इस कलाम का जिसको उन्होंने ईमान की पहली शरा के तौर पर बयान किया सही बुखारी में अमर बिन जमू से रिवायत है इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और आकाल सलाम ने फरमाया ला हक का शरीहल ईमान कोई शख्स जो शरीह एस्टैब्लिश्ड ईमान उसकी हकीकत को नहीं पा सकता जब तक वो इन शराय पे पूरा ना उतरे जब तक ये औसाफ अपने अंदर पैदा ना कर ले जब तक अपनी तबीयत मिजाज अपनी सोच विचार पसंद ना पसंद अपनी जिंदगी को इन उसूलों पर कायम ना कर ले क्या हती युहिब्ब लुब कि उसकी सारी पसंद का मैार अल्लाह हो और जिसे नापसंद करता है उसकी नापसंदीदगी का मैार भी अल्लाह को आगे बड़े तोज्जो तलब अल्फाज आका सलाम ने फरमाया फैजा हब्ब लब गिल्ला जिस शख्स ने यह खूबी अपना ली यानी उसके अंदर रासिख हो गई आज सुनिए यह चीज़ें जाली तौर पे नहीं होती कि आदमी मेहनत करके मैनूवर करके इस तरह कह रहे मैं अल्लाह के लिए यह कर रहा हूं यह मेरी पसंद ना पसंद अल्लाह पर है यह कहने से नहीं होती ये तबीयत के बदलने से होती मैं फिर दोहरा रहा हूं यह बातें कहने से नहीं है कहने को कौन सी बात है नेकी भलाई की जो हम जिंदगी में नहीं कहते हर आलिम, हर मुबलिक हर दाई हर उस्ताद हर शेख हर ताजर हर लीडर हर पोलिटिकल लीडर हर सियासतदान सियासी जमात का हर कारकुन नहीं कहता हम आवाम के लिए कर रहे हैं हम आवाम के लिए कर रहे हैं अवाम का ये मुतालबा है यानी सब कुछ अपना कर रहे हैं अपनी जात के लिए बंदा कर रहा है मगर तो नाम आवाम का मुल्क का कौम का लेते हैं ये जुमले और इस तरह मजहबी तौर पर भी लोग करते रहते हैं नहीं ये मन को बदलना है अकर इस्लाम ने लफ्ज बोला ला यू हक्कुल हक्का दक्का सरीहल ईमान जो असल ईमान है उसकी हकीकत उस वक्त तक एस्टेब्लिश नहीं होती जब तक अंदर पसंद ना नापसंद के मयार ना बदल जाए सो उसी के मुताबिक जुबान सच बोले और फरमाया जब बंदा हकीकत में अपनी पसंद भी अल्लाह किताबें कर दे और अपनी नापसंद भी अल्लाह किताबें कर दे और उसकी पसंद और नापसंद के सारे मामला को अल्लाह की मोहब्बत कंट्रोल कर रही हो अल्लाह का अमर अल्लाह की रजा आखिरत में मैं जब अल्लाह के हजूर पेश होगा तो मेरे इस अमल से अल्लाह खुश होगा कि नहीं वो मुस्कराएगा या नहीं मेरा इस अमल मुझे अल्लाह के कितना करीब करेगा और इसका फैसला कब्र की रात में ही हो जाना है यानी जब बंदा इस तरह तरजीह दे ले और अपने हर अमल हर कौल हर फेल जो जुबान किसी से बोल रहा है जो कुछ कह रहा है जो तकरीर कर रहा है जो खिताब कर रहा है जो लोगों से मुखातबा है जो लेन देन है जो मामलात हैं हर एक चीज़ में उसका मन इतना बेदार हो जाए हमारा मन तो सोया रहता है जो जी में आता बोलते रहते हैं और मन की नीयत खुदा जाने कितनी ख़राब है या कितनी ला तल्लुक है उसके साथ हमारी तो दुनियाएँ है, अलग हैं यानी लोगों को खुश करने के लिए हम जुबानें बोलते हैं कलिमत बोलते हैं जुमले बोलते हैं तकरीरें करते हैं वाज़ करते हैं खिताब करते हैं सब कुछ करते हैं देखना यह जो कुछ कह रहे हैं इसका मन के साथ कितना ताल्लुक़ है और मन में अल्लाह की मोहब्बत और रजा कितनी मुस्कम है और जो कुछ निकल रहा है कि अल्लाह की रजा से शाजिर हो रहा है अल्लाह की महब्बत में शादिर हो रहा है अल्लाह ने जो पैमाने मुकर किए हैं पसंद नापसंद के उनके ताँबे शाजिर हो रहा असल है ये चीज़ देखने वाली तो फरमाया अगली बात और जब बंदा अपनी पसंद नापसंद को मोहब्बत और बुक्स हर चीज को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे कर दे तो फकत कल वला अमिन अल्लाह उसके लिए अल्लाह की विलायत साबित हो गई अल्लाह का वली हो जाता है ये विलायत का बयान है सदी से पाक में मुस्नद अहमद बिन्बल मैंने कोट की उसके लिए साबित हो गई विलायत इला वली हो जाता है और वह बंदा अल्लाह का वली हो जाता है तो मैंने कई बार ये समझाया मगर अब तो ये हदीस इमाम बुखारी का तस्करा करते हुए सारी हदीसों का मवाद आ गया है यानी विलायत अदद का नाम नहीं है कितने विरद किए कितने वजीफ़े किए कितने नफल पड़े रोज़ाना कितनी तस्बियात की इसका नाम विलायत नहीं है विलायत लिबास से मुतन नहीं होती कैसे जुब्बे हैं कुब्बे हैं इमामें हैं टोपियाँ हैं शक्ल वज़ा किस तरह है कैसे कलमात हैं कैसे आप सूरत बनाते हैं इसका नाम विलायत नहीं है विलायत खानदान खानवादे, गद्दी पेशा कारोबार तौर तरीके क्या उससे मुतन नहीं होती ये सारी चीजें ये सब दुनिया के मरासम हैं तौर तरीके हैं दुनिया के विलायत अलग चीज है उसका कोई ताल्लुक नमूर से नहीं विलायत उठती है यहां से जब सारी जिंदगी में दुनिया के अंदर रहते हैं हम असफल साफिलीन में रहते हैं हमारे ताल्लुकात मादी हैं तालुक मादी दुनिया में इंसानी हैं नफसानी हैं उस दुनिया में रहते हैं तो अगर मादी दुनिया में यानी फर्शी दुनिया में फर्शी दुनिया में हम रहें मगर अरश में बसें फर्श पर रहें मगर अरश में बसें देखने में फर्शी नजर आए मगर मन की पसंद ना पसंद और अंदर की हालत में अर्शियों आपकी रुझानात आपकी पसंद नापसंद आपके ओक़ आपकी लजतें वो अर्श के साथ और अर्श पर रहने वालों के साथ जुड़ी हुई हों, अमल जो कर रहे हैं सहारों के साथ बर्ताव कर रहे हैं वो दुनिया के मामला का उससे आप कट नहीं रहे राहिब बन के घरों में नहीं जा रहे दुनिया के सारे काम करें मगर जहाँ भी किसी से लेन देन कोई मामला कर रहे हैं उसका मैार अल्लाह की रजा अल्लाह की खुशनुदी ये बुनियादी तब्दीली दरकार है और यह दरस हदीस और सही और बुखारी का के इस्बाक लेने वाले ख़ास तौर पर आगे तक पहुँचाएं मन में इस तब्दीली की ज़रूरत है तो आकर सलाम ने फरमाया जिसने फिल्ला वल फिल्ला को अंदर अपने मन में राशिक कर लिया और उसकी ज़िंदगी इस उसूल पर चल पड़ी फ़कदल वाला अमिन अल्लाह की तरफ से उसके लिए विलायत साबित हो गई अल्लाह उसको अपना वली और अपना दोस्त बना लेता है यहाँ से विलायत और दोस्ती का आगाज़ हो जाता है फिर जैसे जैसे ये मन की तहारत बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे उसका मन नफसानियत से निकलता चला जाता है और जैसे जैसे रहमानियत का रंग चढ़ता चला जाता है तो तू, तू विलायत का दर्जा बढ़ता चला जाता है फरमाया व इन नौलिया मेरे बंदों में मेरे अलिया वाहिबाई मिन खल की और मेरी मखलूक में मेरे महबूब लोग जब अपनी मोहब्बत और पसंद पसंद को मेरी पसंद में फना कर देते हैं तो फरमाया मैं उनको अपने साथ पर इस तरह जोड़ देता हूं कि युज करूं ना बेजिकी अगर कोई उनका जिक्र करे तो उनकी याद में से खुद ब खुद मेरी याद आ जाती या उनका कोई ज़िक्र कर रहा हो तो उनके नाम आमाल में मेरे ज़िक्र अल्लाह के जिक्र करने का अजर लिख दिया जाता है क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र कर रहा है अल्लाह के दोस्तों का जिक्र कर रहा है ओलिया और सालहीन का जिक्र कर रहा है तो जिक्र उनका हो रहा है मगर वो उसे क्यों पसंद हैं इसलिए पसंद हैं कि ये वो बंदे हैं जो अल्लाह को पसंद थे और ये वो बंदे हैं जो हर चीज़ में अल्लाह को पसंद करते थे अल्लाह इनको पसंद करता था तो अल्लाह उनके जिक्र को अपना जिक्र और अपने जिक्र को उनके जिक्र के साथ जोड़ देता है वो उस गिक्र जोड़ देता है इसी तरह वो हदीस पाक है जिसमें हज़ू अल सलाम ने इशाद फरमाया वो भी बुखारी और मुस्लिम में है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं ये भी बुखारी और मुस्लिम में है मोहब्बत फरमाते हैं तो जब्रैल अमीन को बुलाते हैं और इर्शाद फरमाते हैं जब्रैल देख मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई इन्नी उहिब्बु हिब्बला फाहिब्ब फलां बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई वो मोहब्बत क्यों होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में अपनी मोहब्बत पहले डालता है अल्लाह पाक उसके दिल को मंतखब करता है चुनता है और उसके दिल के मेयारात को अल्लाह बदलता है उसके अंदर दिल में पसंद नापसंद के पैमाने अल्लाह चेंज करता है उसके अंदर तहारत पैदा करता है उसके दिल को माला आला अर्श अनवार और अपनी ज़ात की के साथ जोड़ता है वो उसका मन फिर उसके तन को जाहिर को यानी बातिन मनवर होता है अल्लाह की मोहब्बत से फिर वो उसके जाहिर को रोशन करता है तो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र से मुराद मैंने बताया चौबीस घंटे ऐसे नहीं होता कि बंदा अल्लाह ही का नाम ले रहा हो औकात हैं अल्लाह का नाम लेने के औकात हैं बीवी बच्चों से गुफ्तगु करने के औकात हैं भाई आइज़ा अकारब से मिलने के अवतें हैं कारोबार तजारत के हैं ऑफिस के अवत्या हैं स्टडी के यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज जाने आने के अवत्या हैं घर में होमवर्क करने के औका पूरी ज़िंदगी एक भरपूर ज़िंदगी है रबना आतना फिर दुनिया हसाना व फिल आखिरत हासाना तो दुनिया के अंदर भी सारे काम अदा करने हैं मगर अगर, अगर अल्लाह की रज़ा के तरीक़ से करें तो वह दुनिया हासाना हो जाती है वफिल आखिरत यासना तो दुनिया की भी हसना हसूल करने के तरीके और आखिरत के भी हसना के तरीके हैं तो वो बंदे को अल्लाह रब बदलता है अपनी मोहब्बत के लिए मुंतब करता है वो बंदा अल्लाह का जाकिर होता है फिर अल्लाह उसको अपना मजकूर बनाता है वो अल्लाह का महब बनता है फिर अल्लाह उसको अपना महबूब बनाता है वह बंदा अल्लाह का तालब बनता है तो अल्लाह उसको अपना मतलूब बनाता है वह बंदा हदीस पाक में है सही बुखारी में ये भी और मुस्लिम में बंदा चल के जाता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है यानी अल्लाह की कुर्बत दौड़ के आती है अल्लाह की मोहब्बत दौड़ के आती है अल्लाह उसको अपनी और मोहब्बत के हिसार में ले लेता है बंदा रुजू करता है तो अल्लाह उसको कबूल करता है ये सिर्फ रुजू कहां से मैंने आपको बताया लफ्जों का और अमली दिखावे का रुजू नहीं बातिन का रुजु है जिस पर सारा मदार है तो फरमाया जबरइल अमीन को तू भी उससे मोहब्बत कर मुझे उस बंदे से मोहब्बत हो गई फिर उसके बाद पूछते हैं जबरइली अमीन आलाम आगे क्या हुक्म है फरमाया जाओ आसमानी कायनत में ऐलान कर दो सब मलायका को कि युब्बलान हिब्बू तमाम मलायका को बता दो अल्लाह उस ज़मीन के उस शहर या उस कस्बे के उस आदमी से जिसका नाम ये है उससे अल्लाह को महब्बत हो गई अल्लाह उसको मुहब्बत करता है अल्लाह ने उसे अपना महबूब बना लिया सो तो तमाम मलाया को हुक्म होता है तुम भी उससे मोहब्बत करो गोया फिर सारी आसमानी कायनत में अल्लाह के उस महबूब बंदे की मोहब्बत फैल जाती है उसके बाद हुक्म होता है फु मयूदबूल फिल अर्द फिर उसकी मकबूलियत और मोहब्बत ज़मीन पर उतार दी जाती जमीन पर उतारी जाती फिर लोगों के दिलों में दी जाती है वह मोहब्बत और कबूलियत तो जिस बंदे की मोहब्बत और कबूलीत लोगों के दिलों में हो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने उतारी है वो मोहब्बत बंदा लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता खौफ पैदा कर सकता है बड़ा हाकिम मफाद के जरिए लालच पैदा कर सकता है ये बात याद रख लें वह बड़ा मालदार आदमी है और एक गरीब हाजतमंद आदमी है उसके लिए अगर वो उसकी इज्जत करता है मोहब्बत ज़ाहिर करता है तो वो मोहब्बत नहीं होगी वो लालच है जो मोहब्बत के लिबास में जाहिर कर रहा मगर वो लालच है उसका तमा है उसके साथ या कोई ताकत और हुक्मरान है वो मार देगा जेल दे देगा केस बना देगा तो उसका डर है तो उस डर की वजह से आप उसकी इज्जत करते हैं उसके गुण गाते हैं तो ये जो गुण गाते हैं ये दरअसल मोहब्बत नहीं है ये खौफ है तो कभी इजहार होता है इस तरह की ताबेदारी का मुह... खौफ में कभी इजहार होता है लालच में मगर तो जहां खौफ भी नहीं जहाँ लालच भी नहीं वहां दिलों में मोहब्बत हो एक ऐसे शख्स की जिसके साथ ना कोई दुनियावी लालच वाबस्ता है किसी दूसरे का कि उसके घर बैठे उसको कोई पैसे मिलने हैं कोई रोजगार मिलना है कोई बैंक में कचहरी में उसका काम करवा देगा कोई ये हो जाएगा वला फला मफाद भी कोई नहीं और खौफ भी नहीं कि वो उसे नुकसान पहुंचा देगा खतरा भी कोई नहीं तो जब लालच और खौफ से मावरा कोई किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत मुजर्रद एक लतीफ एक मोहब्बत होती है अब उस मोहब्बत को देखना है आया दुनिया की वजह से कर रहा है ज़ाहरी वजह से कर रहा है और फिर नफ्स और शहाबत आ सकती है नफ्स और शहाबत की वजह से कर रहा है या अल्लाह की वजह से कर रहा है अगर अल्लाह की वजह से मोहब्बत कोई कर रहा है और दुनियावी मकासद और दुनियावी इसबाब सामने नहीं हैं तो उस मोहब्बत को रोकने के लिए गाली गलोच तगोदो फतवाबाजी दंगा फसाद नहीं करना चाहिए ये अल्लाह से लड़ाई है क्योंकि उसकी मोहब्बत जमीन से नहीं होगी उसकी मोहब्बत आसमान से उतरी है जब रैल अमीन ने ऐलान किया है और अल्लाह पाक ने अमर किया यह वो चीज है कि अल्लाह फिर उनके जिक्र को अपना जिक्र बना देता है और अपने जिक्र को उनका जिक्र बना देता है और इसी तरह इमाम हाकिम ने रिवायत की हजरत अब्दुल्ला अबने मसूद रजी अल्लाह तुम यह भी सनत सही के साथ है कि आकल इस्लाम ने फरमाया अब एब्दुल्ला अबने मसूद वो अर्ज करते हैं फकुल तो फकुल्बई किया रसूल्ला मैंने अर्ज किया जी सरकार सलासा मेरा फिर आपने फरमाया या अब्दुल्ला है अब्दुल्ला मैंने अर्ज किया जी हुजूर फिर आपने फरमाया या अब्दुल्ला मैंने अर्ज किया जी सरकार जी आका काल हल तदरी उरल ईमान अफ तीन बार पूछ के मुतवजे करके हर तरफ से तवज्जो हटा कर, फोकस करके तवज्जो उसके बाद पूछा मालूम है ईमान की कौन सी कड़ी सबसे आला है सबसे उम्दा है कुल तो अल्लाह रसूल आलम अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं यार बिलहबीफी है, फी है। हैं इमाम हाकिम की हदीस नंबर तीन हजार सात सौ नब्बे थर्टी सेवन नाइनटी मुस्तद और ये वो सारे मजमून थे आकलम ने फरमाया ईमान की सबसे आला उमदा और मजबूत तरीन कड़ी वो ये है अल्लाह की विलायत अल्लाह के ताल्लुक में मरतबह विलायत पर पहुंचना और किस तरह पहुंचना कि मोहब्बत यानी पसंद और नापसंद का जिंदगी का सारा मैार अल्लाह की जाए जा। अब इसको मैनेज करना है इसको तो मैनेज करना है कि किस तरह हो जाए इसलिए कि ये चार चीज़ें जो इसमें फ़रमाई गई हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह के लिए बुग्ज़ और देना भी अल्लाह के लिए और रोकना भी अल्लाह के लिए ये तमाम जो चीज़ें अल्लाह और ने फरमाई ये खिसाल रहमानिया हैं खिसाल नफसानियत से निकलना खिसाल रहमानिया में और इसके मिल जाने का इन खसलतों के मिल जाने का मतलब यह है कि बंदे को अल्लाह की मोहब्बत के तरीक से मरतब विलायत मिल गया हज़रत अब्दुल्लाब ने अब्बास रजी अल्लाह ने भी फरमाया फरमाया मन मनहबिल्ला व अब गद अफिल्ला वा वाला फिल्ला व वा आदाफिल्ला फमा यत अल्लाह बिजालिक जिसने अपनी पसंद का मैार भी अल्लाह की मोहब्बत बना ली नापसंद का मैार भी अल्लाह की मोहब्बत बना ली दोस्ती का मैार भी अल्लाह की मोहब्बत हुई और अदावत का मैार भी अल्लाह की मोहब्बत हुई फरमाया जिसने अपना मन नफसानियत की खसलतों से इतना पाक कर लिया और रहमानियत की खसलतों का रंग इतना चढ़ा लिया वो शख्स अल्लाह की विलायत को पा लेता और हज अब्दुल्ला वलई जा तामल ईमान इन कासरत सला तो हूँ वसोम हो हत्या यकून का, हुआ हुआ का कोई शख्स जितनी नमाजें चाहे पढ़ ले जितने रोजे चाहे रख ले जाहरी इबादत जितनी चाहे कर ले जब तक उसका मन इस तरह नहीं बदलता उस वक्त तक वो ईमान का जायका नहीं चख सकता और विलायत की हवा हासिल नहीं कर सकता ईमान की हकीकत ही विलायत का मरतबा है जिसके अंदर ईमान की हकीकत जागुजी हो गई मुस्तकम हो गई निखर गई डेवलप हो गई उसने विलायत की बुनियाद को पा लिया इसलिए सलाम ने फरमाया जो आगे चल के हदीस आ जाएगी कि इस जिस्म के अंदर एक गोश का टुकड़ा है दिल जिसका दिल साफ हो गया उसका सारा जिसम साफ़ हो गया जिसका दिल साफ ना हुआ वो गोश का लोथड़ा उसका जिसम पाक साफ ना हुआ फरमाया अला भाई कल उस गोश के लोथड़े का नाम दिल है यानी सारे तगैरात दिल से शुरू होते हैं हरक़त व नकलात दिल से शुरू होती हैं पसंद नापसंद रुझानात मैलानात फैसले दिल से शुरू होते हैं दिल की हालत अगर न बदले तो जाहिर के कौल और अमल की जो चाहें करते फिरें उसका कोई उसका मूल नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है लिहाजा तमाम हरक़त जवारे जिसमानी हरकतें दिल की हरकतों के ताबें हैं और दिल जो है वह अल्लाह की महब्बत के ताबे हो जाए तो अल्लाह पाक उस ऐसी सूरत में उस शख्स के ईमान को कामिल और पुख्ता कर देता इबन अता अस्कंदरी जिनकी अकम अलता है वो बयान करते हैं कि अल्लाह के लिए अगर बंदा मोहब्बत करता रहे जिंदगी में जिसे भी पसंद करे अल्लाह के लिए करे ये अल्लाह के लिए बंदों को दुनिया की चीज़ों को पसंद करते करते वह बंदे को अल्लाह की महब्बत में ले जाती है यानी अल्लाह की मखलूक है अल्लाह के बंदे हैं जिनसे मोहब्बत कर रहा है बंदा इल्म से मोहब्बत कर रहा है अमल से मोहब्बत कर रहा है माँ बाप से कर रहा है दोस्तों से भाई बहनों से रिश्तेदारों से शागिर्दों से उस से जिससे भी मोहब्बत कर रहा है उस मोहब्बत के अंदर रिश्ता कहीं अल्लाह के ताल्लु को फिट करना होगा ये मुझे अल्लाह के करीब करेगा जिससे मोहब्बत करें इसलिए करें यह मुझे अल्लाह के करीब कर देगा इसकी मोहब्बत से मुझे इसकी कुर्बत होगी इसकी बातें सुनूंगा इसकी बातों से मुझे अल्लाह का ज़िक्र मिलेगा इसकी मजलिस में बैठने से अल्लाह का तस्करा होगा इसकी मजलिस में बैठ के इसको बार बार सुनने से अल्लाह की शून का उसकी शानों का सिफ़ात का पता चलेगा उससे अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में आएगी उससे अल्लाह की कुर्बत आएगी इसके करीब बैठने से अल्लाह की तात और इबादत का जौक़ पैदा होगा इस शख्स के पास बैठने से दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी सो इधर मैं नहीं जाता इसके पास हर वक्त इसकी बातें सुन सुन कर दुनिया का फायदा मेरे जहन में ज्यादा मुस्कम हो जाएगा आखरत कमजोर हो जाएगी आखरत का ताल्लुक इसके पास बैठ बैठ कर झूठ की आदत पड़ेगी इसके पास बैठने से सच्चाई की आदत पड़ेगी तो जब आदमी इन जहतों से तफरीक करने लगे फिर मजलिस कौन सी इख्तियार करनी है कौन सी नहीं बंदे पर आसान हो जाता है भाई इसकी मजलिस में मुसलसल बैठे रहने से क्या कोई हिम्मत होती है क्या तरीके से आदमी चालाकी के साथ ये चुगली करता है किसी की बुराई बयान करता है कोई गफलत इसके ज़रिए आती है भई जिसकी मजलिस से आपकी तबीयत में गफलत बढ़ने लगे अल्लाह की तात और इबादत में कमी होने लगे इल्म में कमी और जहालत होने लगे तसब बढ़ने लगे नफ़रत और तंग नजरी बढ़ने लगे तो अल्लाह के लिए उस मजलिस को छोड़ दो वो तो मजलिस जहर है आपके लिए बुरी राह की तरफ ले जा रही है और वो मजलिस और वो ताल्लुक़ और वो संगत जिसके अख्तियार करने से आपकी रगबत इल्म की तरफ बढ़े आपकी रगबत अल्लाह की तात की तरफ बढ़े अल्लाह के दीन की तरफ़ बढ़े इबादत की तरफ बढ़े खैरत और हसनात की तरफ बढ़े जिसके साथ बैठने उठने से दीन की अहमियत और आखरत की अहमियत और क़ अल्लाह की मोहब्बत का बढ़े जिसमें खैर बढ़ रही हो उस संगत और तल्लु और महब्बत को अपनाओ जब आप ये पैमाना बना लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी सलफ़ साल ताबीन हमेशा कहा करते थे किसी शख्स से दोस्ती करने से पहले और किसी की मजलिस और संगत इख्तियार करने से पहले ये सोचो इसकी दोस्ती मुझे क़्यामत के दिन कितना काम आएगी इसकी दोस्ती का नफ़ा मुझे आखरत में होगा जिसकी दोस्ती का नफा आखरत में नहीं है उसको छोड़ दो और उसी दोस्ती संगत को अपनाओ जिसका नफ़ा आखरत में है और आखरत का नफा का मैंने कहा जो आपके ओक़ को रुझानात को बदल दे खबासत को अंदर का मन की खबासत खत्म करके तहारत पैदा कर दे सच्चाई की तरह रगबत पैदा कर दे तो फरमाया अल्लाह के लिए मोहब्बत करते रहने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है अल्लाह की मोहब्बत तो कभी अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है कभी अल्लाह में मोहब्बत होती है कभी अल्लाह से मोहब्बत होती है कभी अल्लाह की तरफ़ से मोहब्बत होती है तो कभी इस मोहब्बत के ताल्लुक की इब्तदा होती है कहीं इंतहा होती है कहीं दरमियान के दर्जे तो इसकी वजह अल्लाह की मोहब्बत गिब हो जाए फैसलों में तो बंदे में इशार करना भी आसान हो जाता है और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब अल्लाह तला के साथ मुहबत हर चीज़ पर गालिब आ जाए तो फिर बंदा अल्लाह पाक उसको चुन लेता है अपनी मोहब्बत के लिए उस बंदे को जब अल्लाह उस बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले मुशतबा और मुस्तफ़ा कर ले अपना महबूब कर ले अपना मुखलस बना ले अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले तो फिर अल्लाह पाक उसकी मोहब्बत में ख़ाल दे देता है खाल उसकी मोहब्बत में कोई मिलावट कोई कोई गर्द गुबार कोई मिलावट नहीं रहती खाल इस अल्लाह के लिए होता है तो फिर वो बंदा जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो मखलूक की खातिर नहीं मखलूक का ध्यान निकाल देता है इबादत करता है अल्लाह की तो रिया मखलूक का ख्याल कि मखलूक मुझे क्या कहेगी इबादत गुजार कहेगी नहीं कहेगी मखलूक का ध्यान निकाल देता है और जब मखलूक से महब्बत करता और तल्लुक़ करता है तो अपने नफ्स को निकाल देता है यानी हर मुकाम पर अल्लाह पाक उसको तहारत देता है हज़ुर सदना गोसल आजम शेख अब्दुल्क़िर जीलानी रजी अल्लाह तुमने फरमाया कन मल खालकन बिला खलकन व कन मल खल के बिला नफसन अपने खालक के साथ ऐसा तल्लुक़ बनाओ के दरमियान में मखलूक न रहे और दरमिया में मखलूक न रहे का माना समझ लें यह है कि जब अल्लाह से तल्लु करो तो ये ना देखो कि मखलूक क्या कहेगी जब ये देखोगे कि मखलूक क्या कहेगी तो आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मोहब्बत में खालिश नहीं होगा रियाकारी आएगी और जब मखलूक के साथ ताल्लुक करो बिला नफ्सन तो उसके बाद ये ना देखो कि मेरा नफ्स क्या कहता है मुझ मुमकिन है नफ़्स ना पसंद करे नफ्स पर बोझ हो नफ्स पर गरानी हो क्योंकि नफ्स को कोई मनफियत नजर नहीं आती उस बंदे से ताल्लुक में नफ्स नहीं चाहता तो नफ्स को निकाल दो उस बंदे से ताल्लुक रखो बिला नफ्स नफ़ से पाक होकर और अल्लाह से ताल्लुक़ रखो खलक़ से पाक होकर तो मोहब्बत इंसान को खालसियत और मुखलसीत की इन आला मंजिलों पर पहुँचाती है तो ये बात इमाम बुखारी ने इर्शाद फरमाई है यह खुलासा गोया पूरा फाउंडेशन रख दी इब्तदा में ये कहकर के अल्हबिल्ला वलबुगिल्ला ये ईमान की हकीकत है कल इनशा तगली नशस्त में अब हम अगले बाप की तरफ जाएंगे बाब नंबर तीन बाब ईमान से शुरू करेंगे और बाब नंबर दो है जिसमें इमाम बुखारी ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद पाँच सतूनों पर उसका जिक्र करके आगे अब इशा कई अब कवर करेंगे अगली नशस्त में वालेक वरहल वर्क़ सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें